सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में आता हूं तो पुरानी यादों में खो जाता हूं। सहसा मुझे वो अपने उस समय का कालखंड जब युवा मोर्चा के नाते युवा राजनीति में सक्रियता से जब हम लोग इधर से उधर दौड़ते थे, तो इस जिले में जब भी मैं आया हूं उन दिनों के प्रवास के दिन अक्सर यहां पर आने पर वह सभी याद आ जाते हैं। मेरा मानना है कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विशिष्टता को भली भांति समझना हो, अगर कोई बात समझनी हो कि यहां की सांस्कृतिक धरोहर क्या है, कहां से शुरू होती है, जैसा अभी अजय टमटा जी बता रहे थे, तो उनको अल्मोड़ा में कुछ समय बिताना चाहिए। अल्मोड़ा में कुछ समय बिताने के बाद निश्चित रूप से हम यहां की संस्कृति से सीधे सीधे परिचित होते हैं। भाइयों बहनों, पिछले साल भी मैं यहां आयोजित इस महोत्सव में आया था और ये महोत्सव एक मेले जैसा है। वहीं यह व्यापारिक और स्वरोजगार के क्षेत्र में आज मुझे हमारी जिलाधिकारी जी ने बहुत सारे लोग, कोई बंबई से आया है, कोई अन्य अन्य स्थानों से आए हुए हैं, अच्छे अच्छे स्टार्टअप के क्षेत्र में, अच्छे अच्छे स्वरोजगार के क्षेत्र में, और हमारी बहनें जो उत्पाद यहां पर बनाती है, हमारे भाई जो उत्पाद बनाते हैं इस हवालबाग में, आज उन सभी को इस महोत्सव के माध्यम से प्रोत्साहित करने का कार्य यहां पर किया गया है। इसके लिए मैं आप सभी को और आयोजकों को, विशेष रूप से यहां के जिला प्रशासन को, मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में युवाओं को भी अपने कार्य करने का, हमारी बहनों को कार्य करने का एक शानदार मंच इस कार्यक्रम के माध्यम से मिल रहा है। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि संपूर्ण विकास केवल तभी संभव है जब सरकार के साथ साथ प्रत्येक नागरिक भी अपने अपने दायित्वों का भली प्रकार से उनका निर्वहन करें, हम सब लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपनी जिम्मेदारी को समझकर एक ध्येय होकर हम सब आगे बढ़ें। और हम सब अगर एक साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो हम लोगों का ध्येय है कि 2025 में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होंगे, अगले 3 सालों में, अगले 5 सालों में और अगले 10 सालों में हमारी जो GSDP रेट है, जो हमारी यहां की ग्रोथ रेट है, जो हमारी आजीविका है, जो हमारा GST है, वो इतना बढ़ जाएगा कि किसी भी क्षेत्र में विकास के कामों को करने में कहीं पर भी कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। हमारे हाथ भी खुल जाएंगे, विकास के काम भी आगे बढ़ जाएंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार हर क्षेत्र में लगातार अपने कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। हम राज्य के लोगों को जहां रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं, आज मुझे बताया गया है कि आज के जो यहां पर RBI द्वारा जो पिछले साल ऋण की व्यवस्था दी गई थी वो लगभग 6 करोड़ के आसपास थी, और आज यहां पर बताया गया कि 20 करोड़ से भी ज्यादा, यानी कि 3 गुना ज्यादा यहां पर स्वरोजगार से जुड़ने का काम बना है। बैंकों ने उस दिशा में काम किया है, मैं इसके लिए भी आप सबको बधाई देना चाहता हूं। रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। आज भारत का, चाहे रक्षा क्षेत्र हो, भारत का सीमा क्षेत्र हो, भारत का मातृशक्ति का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, जिन क्षेत्रों में हम पहले केवल आयात पर निर्भर रहते थे, आज हम आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं। आज हम निर्यात की ओर बढ़ रहे हैं, चाहे वो हथियारों का क्षेत्र हो, चाहे वो मिलेट का क्षेत्र हो, हर क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व का कमाल है कि आज पूरे विश्व के अंदर भारत का डंका बजने लगा है, भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ने लगा है और भारत दुनिया को एक नई दिशा दिखाने का काम कर रहा है। भाइयों बहनों, जहां आज देश के अंदर आर्थिक प्रगति हो रही है, आर्थिक रूप से हम मजबूत हो रहे हैं, आपने देखा होगा पिछले दिनों जब पूरा सेंसेक्स आया था पूरे विश्व का, तो हम कहां पहले 9वें नंबर पर, 10वें नंबर पर, 12वें नंबर पर होते थे, आज हम 5वें नंबर की इकोनॉमी में आ गए हैं। ब्रिटेन को पीछे छोड़कर, ब्रिटेन को पछाड़कर 5वें नंबर की इकोनॉमी भारत बन गया है। भाइयों बहनों, आज जहां आर्थिक क्षेत्र में प्रगति हो रही है, वहीं सांस्कृतिक विरासत के
संरक्षण और संवर्धन के लिए भी लगातार काम हो रहा है। भारत की पुरातन संस्कृति व खोए हुए वैभव को आज किसी ने पुनर्स्थापित करने का काम किया है, चाहे वो आज धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे वो संस्कृति के क्षेत्र में हो, चाहे वो योग के क्षेत्र में हो, इन सबको स्थापित करने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार आज देश में बरसों से ठंडे बस्ते में पड़े लेकिन अति महत्वपूर्ण कार्यों को कुशलतापूर्वक पूर्ण करने का कार्य किया है वह अद्वितीय है। चाहे आज हम अयोध्या की बात करें, अयोध्या में हम सब सोचते हैं, देखिए हमारे राजनीतिक दल अलग हो सकते हैं, राजनीतिक हमारी विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन हम सब लोग आराध्य देव भगवान राम को मानते हैं। अगर हमको कोई भी तकलीफ होती है, कोई परेशानी होती है, तो सबके मुंह से निकलता है हे राम, राम राम। और ऐसे राम का मंदिर, हम पता नहीं कब से नारा लगाते थे, कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लंबा कालखंड बीत गया लेकिन वो मंदिर नहीं बन पाया। भाइयों बहनों, यह राम लला का भी दिव्य और भव्य मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ तो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ। आज आकर अयोध्या जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो केवल हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का एक विशाल दिव्य और भव्य धार्मिक केंद्र बनने जा रहा है। इसी के साथ साथ चाहे काशी विश्वनाथ जाएंगे, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर वह भी अपने आप में अलौकिक रूप ले चुका है, दिव्य काशी और भव्य काशी के रूप में स्थापित हो चुका है। केदारपुरी हो, हमारे केदारनाथ धाम का हो या बद्रीनाथ धाम का हो, वहां पर पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से हो रहा है, मास्टर प्लान पर काम हो रहा है। वहीं भाइयों बहनों, देवभूमि के प्रति, उत्तराखंड के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसी का परिणाम है जैसे डॉक्टर धन सिंह रावत जी बता रहे थे, आज ही हमने यहाँ पर 246 करोड़ रुपए की जो योजनाएं हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में संचालित हो रही हैं, उनको भी हमने वो धन भी आवंटन हो चुका है, उन पर काम भी प्रारंभ हो चुका है। बहुत तेजी से ये अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज को लेकर काफी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ तकनीकी दिक्कत आने के बावजूद हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी से अनेकों बार जाकर हमने निवेदन किया कि अल्मोड़ा का मेडिकल कॉलेज हर हालत में चलना चाहिए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी का कि उन्होंने हमारे निवेदन को सुना और अल्मोड़ा का मेडिकल कॉलेज आगे चलाने का मार्ग हमारा प्रशस्त हुआ। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में अनेकों ऐसे संस्थान यहां पर खुलने वाले हैं। इसके साथ साथ